सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट हेमंत फॉर यू चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट हेमंत फॉर यू। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके दो या दो से अधिक अकाउंट हैं और वो आपके फोन पे से कनेक्ट हैं तो आप फोन पे से एक अकाउंट से आप दूसरे अकाउंट में किस तरह से रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि सेल्फ ट्रांसफर। इसका मतलब है कि आप अपने ही बैंक में अपने दूसरे अकाउंट से अपने पहले वाले अकाउंट में या पहले वाले से दूसरे वाले अकाउंट में आप रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप किस तरह से कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको फोन पे पर आपको एक अलग से ऑप्शन मिल जाता है जिससे कि आप इजीली एक अकाउंट से आप दूसरे अकाउंट में रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं आप अपने ही अकाउंट में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे आपको लाइक बटन दिख रहा होगा उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर आपको रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मैं यहाँ पर फोन पे मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फोन पे को ओपन कर लिया। जैसे कि मेरे फोन पे पर फोन पे पर ही मेरे तीन बैंक अकाउंट लिंक है। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ किसी एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में रुपए ट्रांसफर करना तो किस तरह से कर सकता हूँ, तो मैं चलो यहाँ पर फिंगरप्रिंट दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर फिंगरप्रिंट दे दिया, तो चलिए यहाँ पर हमारा खुल के आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपका होम पेज खुलकर आ जाएगा। होम पेज खुलने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपको पहला वाला आपका रो दिख रहा है वो आपका है ट्रांसफर मनी का। ठीक है, ट्रांसफर मनी का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो ट्रांसफर मनी के बाद आपको जो तीसरा ऑप्शन है ट्रांसफर मनी में वो आपका है टू सेल्फ। ठीक है, टू सेल्फ का ऑप्शन दिया हुआ, तो टू सेल्फ पर आपको क्लिक कर देना है। मैंने क्लिक कर दिया टू सेल्फ पर। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे तीन बैंक अकाउंट है, तो यहाँ पर आपको वो वाला बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है जिसमें आपको रुपए ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो मुझे जैसे एक्सिस बैंक का ये वाला अकाउंट दिया हुआ है, इसमें मुझे रुपए ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये हमारा सेलेक्ट हो गया। अब कितना अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है तो यहाँ पर फिल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ 40,000। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 40,000 फिल कर दिया और यहाँ पर आपको वो वाला बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना होगा जिससे कि आपको ट्रांसफर करना है। तो मेरा देखो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला सेलेक्ट हो गया। ठीक है, जबकि ये अनेबल है और ये आपका सेलेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो कनेक्ट है लेकिन इसका एम पिन सेट नहीं है, तो ये वाला सेलेक्ट हो गया। तो ये मेरा जिसमें मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ वो मेरा एक्सिस बैंक का अकाउंट है और जिससे मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ वो स्टेट बैंक का अकाउंट है। ठीक है, तो अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इस तरह से रुपए ट्रांसफर करते हैं। तो आपको सेंड पर नीचे सेंड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। सेंड पर क्लिक करेंगे तो ये आपका पिन मांगेगा, तो आप पिन फिल कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर अपना पिन फिल कर देता हूँ। पिन फिल करने के बाद आपको टिक पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर हमारा रुपए ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेके आ रहा है रुपए 40,000 ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने सेल्फ पर अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर रुपए को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। इस तरह के बहुत सारे वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।